हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी ढाबा स्टाइल। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। बस इसको मिला देंगे अच्छे से। और इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। गैस जलाएंगे, कढ़ाई रखेंगे और इसमें तीन से चार टेबलस्पून तेल डालेंगे। ये सरसों तेल है। इसको गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद हम डालेंगे इसमें जीरा। एक मिनट हो चुके हैं, ये मेरा तेल गर्म हो चुका है, धुआं निकल रहा है इसमें से। इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी इलायची, 2 लाल मिर्च और ये दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं और चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक कुटा हुआ और 1.5 चम्मच के करीब लहसुन कुटा हुआ और 4 हरी मिर्च, हमने इसको बीच से कट लगा लिया था। फिर चलाएंगे। यहाँ हमने गैस को सिम किया है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक देखिए हमने भून लिया। एक मिनट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटा हुआ प्याज, ये बड़ा साइज का था प्याज, इसको डाल देंगे और फिर चलाएंगे। देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर, 3 टमाटर था, हमने इसको पीस लिया था, डाल देंगे। अभी मसाला बाकी है मेरा, सूखा मसाला डालेंगे इसमें। यहाँ पे हमने गैस को कम किया है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से भी कम, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। फिर मिक्स करेंगे इसको, अच्छे से भूनेंगे इसको। अब हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और वो तीखी नहीं होती है, इससे कलर अच्छा आता है। वो ढाबे वाली सब्जी होती है ना, ढाबे पे मिलता है एकदम कलरफुल, एकदम लाल लाल अच्छा लगता है देखने में, वैसे ही। तो हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन और ये 2.5 चम्मच 1/2 चम्मच और डाल दिया मैंने। अब इसको थोड़ी देर के लिए भुनेंगे अच्छे से। फिर यहाँ पर भी हमने गैस को सिम किया है ताकि अच्छे से हमारा ये बेसन भुन जाए, उसके बाद हम पानी डालेंगे। तो देखिए भुन गया। बेसन डालने से टेक्सचर अच्छा आता है और सब्जी अच्छी बनती है और गाढ़ी गाढ़ी बनती है। हमने यहाँ पे सिम किया है ताकि अच्छे से बेसन भुन जाए। अब हम डालेंगे इसमें नमक, तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा और डालेंगे, उसके बाद चलाएंगे। और नमक डालने के बाद ये 30 सेकेंड हो गए भूनते हुए। अब हम थोड़ा पानी डालेंगे, ये 1/2 कटोरी पानी है, 1/2 कटोरी से थोड़ा सा कम ही है। फिर चला लेते हैं इसको और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक तेल ना छोड़ दे। अब हम यहाँ आंच को बढ़ाएंगे, फ्लेम थोड़ा मीडियम करेंगे, तेल छोड़ने तक इसको भूनते रहेंगे। देखिए ये भून गया। भूनते हुए 1 मिनट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे दही, और मैंने फ्लेम को कम किया है और ये दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी ग्रेवी सब्जी खट्टी हो जाएगी। और ये हमने 4 चम्मच दही डाला है और इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको भी भूनेंगे हल्की आंच पे जब तक हमारा
तेल ना छोड़ दे। एक मिनट हो गए, फ्लेम हम बढ़ाएंगे और अच्छे से मसाला भुनेंगे। तेल 2 मिनट हो गए भुनते हुए, देखिए थोड़ा थोड़ा, देखिए तेल छोड़ दिया है। फिर चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं। और 1.5 मिनट हो गए, ढक्कन हटाएंगे और फिर चलाएंगे। 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं और अच्छे से तेल छोड़ चुका है। अब हम इसको चलाएंगे, थोड़ी देर चला लेते हैं। अब हम कढ़ाई उतार के दूसरी तरफ रख लेते हैं। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे, तो तेल डालेंगे 3 से 4 चम्मच, सरसों तेल है। इसको गर्म होने देंगे 1 मिनट के लिए। नहीं, गर्म हो चुका है, 1 मिनट हो गए। हमने जो पनीर रखे थे मसाले लगा के, उसको अब हम फ्राई करेंगे। देखिए एक एक करके चला लेंगे। ये देखिए जो नहीं हुआ है वो पलट पलट के चला लेंगे। और ये 2 मिनट हो गए हमारा फ्राई करते हुए, चारों तरफ से अच्छे से पलट पलट के भून लेंगे। ये हमारा भून चुका। अब हम वो दूसरी कढ़ाई रखेंगे, मसाले वाली कढ़ाई रखेंगे, और इसको गरम गरम होने देंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम पनीर डालेंगे। हमने पनीर डाल दिया, अब हम चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमने मिक्स कर दिया, अब हम पानी डालेंगे। अब चला के देखते हैं कितना हमें पानी चाहिए। आपको जितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए आप कर सकते हैं, हमको थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए। ये ढाबा स्टाइल का, एकदम जो ढाबा में गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी होती है ना, वैसा ही चाहिए। देखिए अब हम इसको मिक्स करेंगे बढ़िया से, बढ़िया से। देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं, ताकि जब पकेगा तो थोड़ा और गाढ़ा ग्रेवी होएगा। अब हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेते हैं और चलाएंगे। और उसके बाद हम ढकेंगे, तो ढक लेते हैं। 2 मिनट हो गए, हम चलाएंगे। चला लिया हमने, फिर ढकेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर 2 मिनट हो गए, देखिए कितना अच्छा, ये चारों तरफ से तेल छोड़ दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये थोड़ा सा ये कसूरी मेथी हमने डाल दिया क्रश करके। चला लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी हुई है। देख के मुंह में पानी आ रहा है, देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा सब्जी बना है। फिर ढक लेते हैं। 1 मिनट हो गए, वाह देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है। अब हम आइए इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी सब्जी हमारी बनी हुई है, ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी। देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा जो है होता है ना ढाबे में मिलता है, वैसी ग्रेवी हुई है। बहुत बहुत अच्छी सब्जी बनी है, आप भी ट्राई करिए और बनाइए और बताइए आपको ये सब्जी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।